नवरात्रि पर्व एवं रमजान त्योहार को ध्यान में रखते हुए पोहरी पुलिस ने रविवार को नगर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च पोहरी चौराहे से होते हुए बाजार के अलग अलग स्थान पर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा। थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्ला ने आम जनता को इस दौरान जागरूक भी किया। इस नवरात्रि पर्व एवं रमजान के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके, साथ ही सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाए। उन्होंने बताया कि त्यौहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचते हैं, ऐसे में कई आपराधिक तत्व भी उन पर नजर रखते हैं। इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा हो, इस उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जहां पुलिस द्वारा आपराधिक तत्व के आरोपियों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने के साथ ही वे सुरक्षित रूप से अपना व्यापार करते हुए खरीदारी करने की बात कही। साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहनों के काटे चालन। इस अवसर पर पोहरी थाना प्रभारी ने बिना हेलमेट की बाइक चला रहे अपनी स्टाफ कर्मचारी की बाइक का काटा चालन, साथ ही नाबालिग बच्चों के दोबारा चला रहे वाहन को रोककर दी समझाइश। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था को सुधारी रूप से चलाने हेतु समय समय पर थाना पोहरी के स्टाफ द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जाता है। उसी उद्देश्य से आज भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं उनको भी समझाइश दी गई है कि यातायात के नियमों का पालन करें और कुछ चालान भी काटे गए हैं और हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसा बिल्कुल ना करें।